ओ गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। इसीलिए यही अच्छा है कि वापस अपने देश लौट जाओ, वरना शवों के ढेर लगा दिए जाएंगे। अंग्रेजों को ललकारने वाले ये शब्द एक ऐसे निडर, निर्भीक और तपस्वी युवा के, जिसने जंगल के दावेदारों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। एक ऐसा नायक जिसके क्रांतिकारी चिंतन ने आदिवासियों की दशा ही बदल दी। एक ऐसा युवा जिसने पेट की भूख छोड़कर मन की पीड़ा के लिए जीवन न्यौछावर कर दिया। एक ऐसा क्रांतिवीर जिसने अपना जीवन आदिवासियों की सेवा में लगा दिया। ऐसा देशभक्त जो धरती आबा के नाम से पहचाना जाता है। ऐसा महान तपस्वी जिसे आज भी लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, वो कोई और नहीं, बिरसा मुंडा ही हैं। बिरसा मुंडा मात्र 25 वर्ष के जीवन काल में माँ भारती के लिए, धरती के लिए, आदिवासी भाई बहनों के लिए इतना कुछ कर गए कि आज भी उनका बलिदान रोंगटे खड़े कर देता है। बिरसा का जन्म 1875 में छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा नाम की वनवासी जनजाति में हुआ था। अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करने वाले बिरसा बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे। उन दिनों आदिवासी ब्रिटिश सरकार के शोषण की भट्टी में झुलस रहे थे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के नाम पर उनसे उनकी भूमि और अधिकार छीन लिए गए। जंगल के दावेदार अब बेघर और दो वक्त की रोटी को तरस रहे थे। परेशान कुछ आदिवासियों ने प्रलोभन में आकर ईसाई धर्म अपना लिया, जबकि कुछ लोग अंधविश्वास की आंधी में जकड़ लिए गए। साफ सफाई ना होने से आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में हैजा, चेचक जैसे रोगों की चपेट में आ गए। बिरसा मुंडा ने अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। जातीय भेदभाव से परे स्वयं को धरती पुत्र मानने वाले आदिवासी अब छिन्न भिन्न होने लगे, आपस में झगड़ने लगे। बिरसा अपने साथियों को फिर से जंगल में सरल सादा जीवन जीते हुए देखना चाहते थे। उन्होंने स्वयं के भोजन की चिंता ना करते हुए लोगों में जागरूकता फैलानी आरंभ कर दी। उन्होंने ना मात्र अंग्रेजों की मंशा सभी को बताई, अपितु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जागरूकता भी फैलाई। उनकी एक बात आदिवासियों के हृदय में चिंगारी पैदा कर देती। आदिवासी उनकी वाणी को स्वयं भगवान की वाणी मानते और उसी मार्ग पर चल पड़ते। वन नायक बिरसा ने लोगों के मन में त्याग और शक्ति की ज्योति जलाई। गुरु आनंद पांडे से वेद और उपनिषदों की विद्या ग्रहण की और बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। वे जिसे भी दवा देते वो ठीक हो जाता। उनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। 1894 में आए अकाल के दौरान बिरसा मुंडा ने अपने समुदाय और अन्य लोगों के लिए अंग्रेजों से लगान माफी को लेकर आंदोलन किया। बिरसा मुंडा ने साथियों के साथ मिलकर ईसाई मिशनरियों, अंग्रेजों के चापलू जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया और हथियार उठा लिए। इस क्रांति को नाम दिया उलगुलान। यह आंदोलन ब्रिटिश शासकों के लिए चुनौती बन गया, जिसे तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने कुटिल चाल चली और बिरसा के सैनिक मुख्यालय पर हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने बंदूकों से फायर झोंके तो बिरसा के अनुयायियों ने कमान से तीर निकाले, परंतु तीर कमान से बंदूक का सामना नहीं किया जा सका। बच्चों, महिलाओं समेत कई लोग मारे गए, परंतु बिरसा मुंडा किसी प्रकार बच निकले। वे दूसरे क्षेत्र में जाकर लोगों को फिर संगठित करने लगे। इस बार अंग्रेजों ने अपने कुछ चमचों को बिरसा के अनुयायी बनाकर मिलने भेजा और अपनी कुटिल चाल से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें रांची जेल ले जाया गया, जहां कुछ महीनों बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। धरती से उनकी विदाई की तिथि थी 9 जून 1900। कहा जाता है कि उन्हें अंग्रेजों ने धीरे धीरे जहर देकर मौत की नींद सुला दिया। धरती का आबा धरती से चला अवश्य गया, परंतु वनवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों के लिए चुनौती उत्पन्न कर गया, क्योंकि जो चिंगारी वे वनवासियों में जला कर गए थे वो अब शोला बनकर धधकने लगी थी। बिरसा मुंडा की क्रांति की गूंज ने रानी विक्टोरिया को भी विकल कर दिया। 11 नवंबर 1908 में अंग्रेज सरकार को आदिवासियों के संरक्षण के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने पर विवश होना पड़ा। वर्ष 1977 में प्रख्यात लेखिका ने जंगल के दावेदार नामक उपन्यास में उनके बारे में लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ।
वर्ष 2000 में उनकी स्मृति में ही वनवासी बहुल क्षेत्र को पृथक राज्य झारखंड बनाया गया। जंगल दावेदार बिरसा मुंडा को मिस्टर झारखंड कहा जाए तो अनुचित न होगा। आज से लगभग 145 वर्ष पूर्व भारत की मिट्टी पर जन्मा यह सपूत हमें आज भी स्मरण कराता है कि अपनी मिट्टी, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज और अपनी परंपराओं से बढ़कर कुछ नहीं है। वनों में रहने वाले वनवासी बंधु हजारों वर्षों से प्रकृति की पूजा करते हुए सनातन धर्म की वैदिक धारा से जुड़े हैं, परंतु कुछ स्वार्थी लोग आदिवासियों को सरन कहकर उन्हें उनकी परंपरा से काटने का कुटिल प्रयास कर रहे हैं और उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाते रहते हैं। जबकि सरन कहो या सनातन, सभी प्राचीन भारतीय धर्म का ही स्वरूप है। धर्मांतरण को रोकने के लिए झारखंड में धर्म स्वतंत्र विधेयक मददगार साबित हो रहा है। कानून आने के बाद से धर्मांतरण के मामलों में तेजी से कमी आई है। 150 वर्ष पूर्व धरती आबा आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को ठुकरा दिया था और लोगों को अंग्रेजों के छल कपट का भान करवाया था। भगवान बिरसा के संदेश आज भी आदिवासी बंधुओं सहित देश भर के लोगों को मार्ग दिखाते हैं।